पूर्वी दिल्ली का प्रीत विहार इलाका गुरुवार की रात गोलियों की आवाज से दहल उठा। प्रीत विहार स्थित वीटीएस मॉल के पास देर रात एक शख्स को गोली मार दी गई। दरअसल गुरुवार की रात 2 बजे विशाल सूरी नाम का युवक अपने 2 दोस्तों के साथ वीटीएस मॉल के पास पराठे खाने गया हुआ था। तभी विशाल तो अपनी सफेद स्विफ्ट कार के पास ही रुक गया, लेकिन विशाल के दोनों दोस्त पराठे लेने चले। पूर्वी दिल्ली के वीटीएस मॉल के पीछे एक शख्स की वीरवार देर रात गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस वक्त हम मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि विशाल नाम का एक युवक वीटीएस मॉल के पीछे वीरवार रात करीब 2 बजे के आसपास अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंचता है। वीटीएस मॉल के ठीक पीछे यानी कि इस जगह पर विशाल अपनी स्विफ्ट गाड़ी को खड़ी करता है। ये अब दुकान देख रहे हैं, यहाँ पर रात के समय जो है वो पराठे की दुकान लगती है। विशाल अपनी स्विफ्ट गाड़ी को लेकर अपने 2 दोस्तों के साथ इसी जगह पर फुटपाथ के पास अपनी गाड़ी खड़ी करता है। उसके बाद विशाल के दोनों दोस्त पराठे लेने के लिए पराठे वाले की दुकान पर चले जाते हैं। विशाल अपनी गाड़ी के पास खड़ा होता है, तभी जो चश्मदीदों का कहना है कि यूपी नंबर की एक गाड़ी यहाँ पर आती है और विशाल को 3 गोली मारकर फरार हो जाती है। चश्मदीदों की माने तो गुरुवार की रात 2 बजे के आसपास यूपी नंबर की गाड़ी से कुछ बदमाश आते हैं और विशाल को 3 गोली मारकर फरार हो जाते हैं। अल्लाह लेके बाहर निकलने का आदेश हम लोग को है नहीं। हाँ। तो कितना उनको कितना गोली चला था? लगातार 3-4-5 आवाज आया था। कोई बात नहीं, तो किसको लगा कुछ मालूम चला? ये नहीं, वहाँ बंदा वहाँ गिरा हुआ था, तुम लोग को तो गेट लगा हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पर होता हूँ। हाँ, वो आवाज आई, क्या कहते हैं, जैसे बुलेट बुलेट के वो बैंसर दबाते फटफट की आवाज़ आती। हाँ। तो मेरा एक बंदा था, वो गया वहाँ पर। हाँ। उसने देखा, मैंने कहा भाई क्या हुआ रहा है, तेरा आवाज आई, मैंने कहा देखो उसकी आवाज़ आई। तब तक क्या कहते उसने, मैं उठ के गया। बाद में जब सारे पी सी आर उसे आगे देखा, काफ़ी देखे जब वो आया बंदा, उसने देखा, मैंने कुछ नहीं, वहाँ गया ही नहीं। तो मर गया था वो? हैं? वो मौके मर गया था? मर गया था वो जब पी सी आर उसे आगे तब। अच्छा। मौके पर पहुंची पुलिस जहां मामले की तफ्तीश कर रही है, तो वहीं दिल्ली पुलिस विशाल के दोनों दोस्तों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि पुराने रंजिश के चलते विशाल की हत्या की गई। वहीं दिल्ली पुलिस अब इलाके में लगी सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। दोनों तरफ से गोलियां चली अभी तक कहना मुश्किल है, लेकिन लगता ऐसा है जो ब्लड की ट्रेल है कि दूसरे ग्रुप में भी किसी न किसी को गोली लगी होगी, जो अभी तक नहीं मिला है। विशाल का प्रोफाइल क्या सर? दोनों ग्रुप मैंने आपको बताया क्रिमिनल प्रोफाइल के हैं और दोनों ग्रुप्स के ऊपर रॉबरी और अटेम्प्ट टू मर्डर झगड़े के केसेस हैं। गैंगवार माना जाए? नहीं, ये गैंगवार नहीं कह सकते इसको, अभी ये झगड़ा है। कल शाम को जो पराठे खाते समय शायद कुछ किसी पॉइंट पर ट्रिगर हुआ होगा। वहीं सूत्रों की माने तो मृतक विशाल के ऊपर पूर्वी दिल्ली में कई आपराधिक मामले दर्ज थे। दिल्ली पुलिस इस वारदात को 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है, लेकिन सरया एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की वारदात ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रदीप शर्मा, उत्तर न्यूज़।